पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। पीसीसी कार्यालय में आयोजित पुष्पांजलि सभा में पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कांग्रेसी नेताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अश्क अली टांक, डॉ करण सिंह यादव, महासचिव ज्योति खंडेलवाल, महेश शर्मा, सचिव राजेश चौधरी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने कहा कि लॉकडाउन के बाद गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। एआईसीसी के निर्देश पर देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर आयकर के दायरे में नहीं आने वाले लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे। पायलट ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में जीवन रक्षक साबित हो रही है। पुण्यतिथि पर हम सभी लोगों ने, कांग्रेसियों ने, आमजनों ने उनको श्रद्धांजलि दी है और उनकी जो भूमिका रही देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद, इस देश की जो नींव रखी थी और जो विकसित उन्होंने किया उस दशक में, चुनौतीपूर्ण समय था, उनके योगदान को पूरा देश हम सब हमेशा याद करते रहेंगे।